ए फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं USIT रिक्रूटर के इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को लेंगे जो USIT रिक्रूटर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और यदि आप USIT रिक्रूटर जॉब सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये मान लीजिए आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ना केवल USIT रिक्रूटर जॉब को फाइंड करने में सर्च होने वाली है, इन फ्यूचर आप जो भी इंटरव्यू दो मतलब देना चाह रहे हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला HR प्रश्न है। चाहे आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करें या किसी भी फील्ड से आप संबंधित हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे करना है आपको। पहले तो इसमें आपको अपने बारे आपका नाम बताना है। थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बता सकते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आप में आपको बताना है कि आपने आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, और इसमें आपको आपकी हॉबीज़ बताना है। आपकी जो भी हॉबीज़ है, दो तीन हॉबीज़ वो आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है वो आप बता सकते हैं, या आपको कोई लेटेस्ट सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आप बता सकते हैं, और इसमें आपको आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी बताना है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसे कैसे आंसर करता हूँ। माई नेम इज़ विनोद एंड आई एम फ्रॉम देवास, मध्य प्रदेश। आई हैव कम्प्लीटेड BSc बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, एंड ऑल्सो आई हैव डन और कम्प्लीटेड MBA विथ स्पेशलाइजेशन HR एंड फिनांस। आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस एज ए USIT सीनियर USIT रिक्रूटर। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई हैव 4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस इन US जॉब पोर्टल्स लाइक करियर बिल्डर, डाइस, मॉन्स्टर, इंडीड, एंड ऑल्सो आई हैव 13K कनेक्शन इन लिंक्डइन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई सोर्स कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन, एंड ऑल्सो आई हैव 4+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जॉब डिवा, एंड आई हैव यू नो 4+ ईयर एक्सपीरियंस इन सोर्स यू नो एंड टू एंड रिक्रूटमेंट स्पेशली इन IT पोजिशंस लाइक एंड्रॉयड डेवलपर, iOS डेवलपर, जावा डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक जावा डेवलपर, .NET डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, डेवऑप्स इंजीनियर, ETL इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, बिजनेस। ओके, सो लाइक दिस। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, आई यू नो इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस आई फॉलोड इन डे टू डे वर्किंग वर्किंग एज अ USIT रिक्रूटर, फर्स्टली आई अंडरस्टैंड जॉब डिस्क्रिप्शन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन आई picking some keywords which are keywords or skills which is clients is looking for, and I make a boolean search string with the help of these keywords, and start in searching candidate resume with the help of various job portals like CareerBuilder, Dice, Monster, Indeed, and sometimes I'm using ATS Job Diva. Okay, and if I found resumes, then I screen the candidate resume. If I found matching resume or as per the job description, I started calling the candidate. If candidate interested for job description and also pay rate part, then I sent rate confirmation email and first contact email. If candidate
confirm the rate, and I format candidate resume copy and submit to my account manager. These are the day-to-day activity which is I followed. And if we talk about the family background, I have 5 members. Okay, so you can answer the family background. Okay, आप अपने अनुसार आंसर कर सकते हैं कि आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं, आपके फादर्स क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, आपकी माताजी क्या करती है और उनका नाम क्या है, आपके ब्रदर क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, सिस्टर क्या करते हैं, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी आप बता सकते हैं. तो ये है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे आंसर करना. ये आपके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अभी मैंने बताया वैसा ही आंसर करना. जिस भी तरह से आप आंसर करना चाहते हैं कर सकते हैं. बस इसमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में देना है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बताना है, आपको अपनी हॉबीज़ बताना है, आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपको शो करना है, और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है. तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी यू सोर्स्ड प्रोफाइल टिल नाउ. अभी तक आपने किस प्रकार की टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है, किस प्रकार के रेज्यूमे सोर्स किए हैं, आपका टेक्नोलॉजी में क्या एक्सपीरियंस है, इस क्वेश्चन का अर्थ यह है. आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम इसका आंसर जानते हैं. इसका आंसर देने के लिए आपको बताना होगा, यदि आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है एज ए रिक्रूटर और आपने किसी आईटी प्रोफाइल पर काम किया है या फिर नॉन आईटी प्रोफाइल पर काम किया है. तो यदि आपने आईटी प्रोफाइल पर काम किया है तो आपको वो सारी आईटी टेक्नोलॉजी आपको बताना होगी. जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मुझे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए आईटी रिक्रूटर, सीनियर आईटी रिक्रूटर. तो मैं इसका आंसर ऐसा दूंगा कि 4 साल में मैंने किन किन टेक्नोलॉजी पे काम किया. आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्किंग एक्सपीरियंस इन वेरियस आईटी टेक्नोलॉजीज लाइक एंड्रॉयड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, जावा डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक जावा डेवलपर, डॉट नेट डेवलपर, and business analyst, project manager, program manager, desktop support engineer, ETL developer. Okay, so friends, ऐसे जिन भी टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है उसका आंसर आपको देना है. अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को जानते हैं. फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन HR फील्ड एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि आपका HR फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है और मैचिंग एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो कितना है. ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ और आप इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस है HR में. आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट. And if I talk about the match, the relevant experience or matching experience, I have 4-year experience as a senior US IT recruiter. तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं. और इसमें जब आप US IT recruiter experience की बात कर रहे हैं तो आपका क्या experience है वो भी बता सकते हैं. जैसे कि आपको technical knowledge क्या है, किस तरह की technology पे आपने काम किया है, क्या किन portal को आपने यूज़ किया है, आपने किन किन ATS को यूज़ किया है, किन किन VMS को यूज़ किया है, और आपका एंड टू एंड रिक्रूटमेंट क्या है, आपने क्या प्रोसेस फॉलो की, आप सब बता सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं. आइए फ्रेंड्स, लेट्स गो इन नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आप एक रिक्रूटर हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इसका आंसर आपको ऐसा देना है, इसमें आपको आप जो भी एंड टू एंड रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो इसमें आपको बताना है.
आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। फर्स्टली आई अंडरस्टैंड जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन आई पिकिंग कीवर्ड्स एंड आई मेकिंग बूलियन सर्च स्ट्रिंग एंड आई अप्लाइंग दिस बूलियन सर्च स्ट्रिंग इनटू अप्रोप्रिएट जॉब पोर्टल और एंड स्टार्टिंग सर्चिंग कैंडिडेट रेज्यूमे एंड देन आई स्क्रीन कैंडिडेट रेज्यूमे वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप। इफ आई फाउंड गुड रेज्यूमे और इफ आई फाउंड मैचिंग रेज्यूमे एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन देन आई कॉल द कैंडिडेट एंड आई डिस्कस जॉब विद कैंडिडेट एंड ऑल्सो डिस्कस पे रेट पार्ट एंड इफ कैंडिडेट इंटरेस्टेड फॉर द जॉब देन ऑल्सो आई sent a first contact email or job description to the candidate and also sent a candidate rate confirmation email. If a candidate confirmed the rate with his or her updated resume, then I format candidate resume as per the client requirement. After formatting candidate resume or formatted candidate resume, then I sent a submission email to my account manager or team lead, and my account manager will submit candidate resume. If a client shortlist candidate resume or ask for the interview for phone interview, telephonic interview or in-person interview, then I assist in interview process. And if client offer the job to the candidate, then also assisting in onboarding process. These are the process I'm following until job description understanding and till submitting candidate resume and also assisting onboarding process. So friends, आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप बता सकते हैं, आप अपनी भाषा में या लैंग्वेज में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स गो इन नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड फॉर सोर्सिंग प्रोफाइल्स इफ यू आर वर्किंग एज ए रिक्रूटर। यदि आप रिक्रूटर के रूप में काम कर रहे हैं और आप किसी पोजिशन पर काम कर रहे हैं, तो आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं रेज्यूमे सोर्स करने के लिए। यदि आप यूएस जॉब पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि करियर बिल्डर, डाइस, मॉन्स्टर, इंडीड, लिंक्डइन, या फिर यदि आप कोई एटीएस यूज़ कर रहे हैं लाइक जॉब डिवा या जॉब विटे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, या फिर आप रेफरेंसिंग यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप अपने कंपनी का खुद का इंटरनल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप खुद का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं जो आप काफ़ी समय से मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको वो प्रोसेस आपको इसमें इस क्वेश्चन के आंसर के लिए बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू आर लुकिंग फॉर चेंज। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको बताना होगा कि आप क्यों जॉब चेंज कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड यू आर लुकिंग फॉर चेंज। देन यू हैव टू टेल एचआर व्हाई यू आर लुकिंग फॉर चेंज एंड यू हैव टू टेल देम एक्चुअल रीज़न, प्रोफेशनल रीज़न। ओके, आपको एक प्रोफेशनल रीज़न बताना होगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो इन नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रश्न के माध्यम से हमसे पूछा जा रहा है कि एज ए एचआर रिक्रूटर या एज ए यूएसआईटी रिक्रूटर किसी यूएस स्टाफिंग कंपनी में आपका क्या रोल है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। If I talk about my roles and responsibility in my present organization, firstly, I work two or three requirement on daily basis, and as my account manager or team lead assign me any requirement, then I firstly read job description 4 to 5 times. After understanding job description, I make Boolean search string.
After that, I apply this boolean string in US job portals or started searching candidate resume with the help of US job portals like Career Builder, Dice, Monster, Indeed, and sometime I'm using LinkedIn, sometime I'm using ATS, Applicant Tracking System, JobDiva, and sometime I'm using company internal database, and sometime I'm using my database, which is maintained by every day. And after applying this boolean search string, I found many resumes. And after that, what I do, I screen candidate one by one. If I found a good resume or matching resume as per the job requirement or job description, I sent first contact email to that candidate or job description to that candidate so that he or she can read job description. And I called the candidate and I discussed job description. If candidate interested for job description, then I discuss read part. If candidate is comfortable with read part, then I go ahead and also taking important information which is essential for submitting candidate resume. And after all these things, I sent read confirmation email to candidate. If candidate give me a read confirmation email, then I send a candidate resume, updated resume copy to my account manager or team lead for approval. If my account manager approve the candidate, then I format candidate resume as per the client requirement and send again to my team lead or my account manager for submission with appropriate information, all the emails like formatted resume copy, candidate rate confirmation email copy to my account manager or team lead. Again, after this, my account manager check the email and formatting, and after that my account manager submit to the client. If client like my candidate resume, then client ask for interview. Interview may be in person or telephonic. So I call the candidate and inform about the interview and send again interview confirmation email. And as there I mention all the important information like client name, client job ID, location, duration of the project, and job description with formatted resume copy of candidate. As candidate confirm interview confirmation email, then I confirm in VMS, vendor management system, and also I confirm a prep call with my account manager for candidate. My account manager guide candidate about the interview, and if a client liked offers the job to the candidate, then also assisting in offer process and also assisting in background investigation and drug process, and also assisting in onboarding process. Okay, these are the main responsibility, actually I can say end-to-end recruitment. Okay, I perform this responsibility on daily basis, and daily basis I submit one or two candidate daily basis. These are the major responsibility which is performed by me. So friends, let's go in next question. Our next question is, have you faced any difficult situation till now? Have you handled those? इस प्रश्न का अर्थ है, क्या आपने अभी तक कोई प्रॉब्लम
फेस की है, और यदि आपने कोई प्रॉब्लम रिक्रूटमेंट में फेस की है तो उसने आपने उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया। सो फ्रेंड्स, इसको आंसर ऐसे करेंगे, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम रिक्रूट कैंडिडेट क्लोज करते हैं, उसे सबमिट करते हैं और हमें इंटरव्यू आ जाता है। क्लाइंट कैंडिडेट का रेज्यूमे लाइक करता है और आस्क फॉर इंटरव्यू, लेकिन कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट इंटरव्यू पे नहीं जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम किसी रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं तो कई बार मैचिंग स्किल या मैचिंग रेज्यूमे नहीं मिल पाते हैं। सो दोज आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, एवरी रिक्रूटर फेस्ड, एंड सो फॉर हैंडलिंग दिस प्रॉब्लम फर्स्टली वी हैव टू रिकन्फर्म, व्हेन वी आर सबमिटिंग एनी कैंडिडेट वी हैव टू रिकन्फर्म अगेन एंड वी हैव टू चेक एवरीथिंग, ओके, सो दैट वी कैन अवॉइड एनी सिचुएशन, ओके, लाइक दिस। एंड sometime what happen, we have to use our LinkedIn, we must use LinkedIn, because what happened, कई बार हम resume US job portal में search करते हैं लेकिन कई बार resume नहीं मिल पाते, but for solution this problem we must use LinkedIn or taking help of our seniors like team lead or account manager, okay, so if we follow these things we must solve the problem and we can handle the problems. Our next question is, how many positions will you close in a month? इसका अर्थ यह है कि आप महीने में कितने पोजीशन क्लोज कर लेते हैं और आप कर सकते हैं, तो उसका आंसर कैसे देना ये मैं बताता हूँ। I will close 3 or 4 position on monthly basis. सो इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि आप आने वाले महीने में कितनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, कितने ऑफर्स ला सकते हैं, कितने कैंडिडेट प्लेस कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? आप यहाँ पर क्यों काम करना चाहते हैं, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करना चाहते हैं, क्यों इंटरेस्टेड इन? सो फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू से, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई एक्सपीरियंस सो दैट आई कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, या इसी तरह का आप सिमिलर आंसर, या अगर आपके पास कोई अच्छा सा सूटेबल आंसर है तो वो भी दे सकते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट ए चैलेंजिंग सिचुएशन that did not end well. For answering this question you must say, or we must say, we are working as a recruiter, so our duty is submitting a candidate or answering the requirement. When we are trying to close candidate, or definitely we close candidate and submit to the client good candidate or potential candidate or matching candidate, but we submit that candidate resume to the client, and the client like the candidate and ask for the interview, definitely, and we talk the candidate and we confirm the candidate. But sometime what happened at the time of interview, due to some personal reason with a candidate don't go for interview, or before the interview candidate he or she will call us and asking for reschedule for interview. That is the very bad, complex situation for recruiter when requirement is urgent. Our next question is, how to negotiate? This is very important part. सो हम कैंडिडेट से नेगोशिएट कैसे करेंगे? व्हेन वी आर वर्किंग एज अ USIT रिक्रूटर, वी फाउंड गुड रेज्यूमे एंड वी कॉल द कैंडिडेट एंड कैंडिडेट इंटरेस्टेड, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट पार्ट, कैंडिडेट आस्किंग हाई पे रेट एंड वी हैव द लो पे रेट, सो दैट टाइम व्हाट हैपन्ड,
we have to check everything. Okay, suppose we can offer max $25, client is asking 26 or 7. So what happened? So what we do? Firstly, check candidate home location with candidate zip code, address, zip code, and also checking a candidate previous or present organization address. Okay, so what happened if our client location with candidate location? When we check with Google Map, we found that the distance between our client and and employee is 15 miles, and at present candidate commuting 30 miles. So we can negotiate, we can say our distance is 15 miles, okay, and right now you are commuting 30 miles, you can save more monies. Okay, this is the max we offer, 25. Okay, so candidate will be agree because he, you know, save the time. Okay, because our distance is only 15 miles and candidate present distance is 30 miles, approximately double. Okay, and also we must check with, you know, must brief about the client. Okay, अगर हमारा क्लाइंट अच्छा है, मल्टीनेशनल, इफ़ वी हैव मल्टीनेशनल क्लाइंट एंड वेल नोन क्लाइंट एंड एट प्रेजेंट कैंडिडेट वॉकिंग एट वेरी लो यू नो वेरी स्मॉल क्लाइंट, सो वी कैन से आवर इज क्लाइंट इज़ वेल नोन क्लाइंट एंड इट्स वेल यू नो कीप यू नो इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर रेज्यूमे एंड इट विल इंक्रीज योर स्किल्स एंड योर, आप ऐसे बता सकते हैं. और यदि हम कैंडिडेट से सेंस में भी नेगोशिएट कर सकते हैं. यदि हमारा $25 है तो हम पहले तो चेक करेंगे हमारे कैलकुलेटर में, हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं. वी कैन चेक विद आवर मैनेजर, इफ़ मैनेजर आवर मैनेजर अलाउ टू पे $26.25, बट क्लाइंट इज लुकिंग फॉर 26. तो also we come in, you know, negotiate with sense, and I believe that candidate will be agree. So negotiation is a very important part, and if we have negotiation skills, definitely we will be king in recruitment industry, or always we will be winner. Our next question is, what are the most important points that a recruiter should keep in mind? Okay friends, I'll answer this question. Okay, so when we are working with any requirement, we must know, first understand job description, and we keep in mind what is the client, what is the client location, what is the client duration, project duration, what will be pay rate, what is the primary job responsibility, client responsibility clients looking for, or skills client is looking for, and what are the secondary skills client is looking for. So we must also keep in mind these things so that we can close a good candidate. Our next question is, what are the important points that you follow to judge the quality of candidate? इस प्रश्न का अर्थ है कि वो कौन सी क्वालिटीज़ है कैंडिडेट की जिसके आधार पर हम जज कर सकते हैं कि वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा या ना होगा. यदि हम उसे सबमिट करते हैं तो वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. तो फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन वी कैन कंसिडर कम्यूट. ओके, डिस्टेंस इज़ द की फैक्टर. अगर किसी भी कैंडिडेट की होम लोकेशन और क्लाइंट लोकेशन का डिस्टेंस कम है तो डेफिनेटली कैंडिडेट विल बी इंटरेस्टेड. एंड रेट पार्ट. ओके, इफ कैंडिडेट इज यू नो कंफर्टेबल विथ रेट पार्ट ऑल्सो दैट विल बी गुड फैक्टर. एंड विलिंग, अगर कैंडिडेट किसी और लोकेशन से है और वो रिलोकेशन के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं. अगर इंटरेस्टेड है
तो वी कैन सबमिट द कैंडिडेट एंड ऑल्सो कैंडिडेट विल बी इंटरेस्टेड और नॉट फॉर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन चेक. सो दिस इज़ द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. एंड सो इफ कैंडिडेट विल बी इंटरेस्टेड फॉर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन चेक वी कैन सबमिट द कैंडिडेट रेज्यूमे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज बैकग्राउंड चेक एंड वाई इट इज डन. ओके सो इस प्रश्न का क्या है, बैकग्राउंड चेक क्या है और ये क्यों की जाती है. पोटेंशियल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एज पर माई एक्सपीरियंस सो आई विल टेल यू क्रिमिनल चेक वाई बैकग्राउंड चेक डन फॉर डूइंग फॉर क्रिमिनल चेक क्रेडिट चेक एंड ड्रग चेक. This is the potential answer. Our next question is explain the resume screening process on any of the job portals you wish. Okay, so resume screening process kya hogi? You have to demonstrate, okay, if you wish. Okay, so potential answer we would like to give you. ओके सो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले तो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन समझना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मेक बूलियन सर्च स्ट्रिंग एंड वी विल यूज़ एनी ऑफ द जॉब पोर्टल्स लाइक करियर बिल्डर. ओके ओके वी आफ्टर अप्लाइंग द जॉब यू नो अप्लाइंग बूलियन स्ट्रिंग विथ career builder or any other the job portals we will find lots of resumes. So we will screen candidate resume one by one and if we found any resume, firstly what we will do for screening, we will check you know resume is there you know matching skills or not. You know we will if there is a matching screen, okay, we will check what is the education, okay, if you know desired education is available is or not. Okay, if is there any education you know desired education, client ne agar koi bachelor degree mangi hai ya master degree mangi hai, agar candidate ke paas bachelor degree hai aur primary skills hai to we can submit and candidate will be good match. Okay, so we would like to go in next question. Okay, our next question is what is required to become a good recruiter? What made you to opt for technical recruiting? Okay, for answering this question, first of all, you must have good communication skills. And second thing, you have to understand job description properly. Okay, and also you must have skills like this influencing. You have to influence the candidate and you have the great negotiation skills. You must have persistent judgment and openness to feedback. Okay, if you have these skills, definitely you can become good recruiter. What is your current and expected CTC? Cost to company. So how we will answer this question? Okay, आपकी current salary क्या है और आपकी salary expectation क्या है? What is your current salary and what is your expectation? So for answering this question, you have to tell your present salary. Okay, suppose I am getting 41,000. So I will tell. I will say, I'm getting 41,000 in hand. And if I say what is my expectation, okay, if I will say my expectation is 45k in hand, okay, so this will be very simple answer. And next question is what is your availability. Okay, what is your availability for interview or job?
So we can say as soon as possible. And suppose if we are working in any organization, so we have to give notice. So we can say I need at least 15-day notice or 1-day notice to join your company. Okay, if I get the offer, I will it takes 1 month's time to to joining, because I will have to give the notice. Okay, and if we say I would like my availability to interview, I can available anytime. Okay, our next question is, how many resumes you can submit in a week for different requirements? Okay, so as a recruiter, for each position, what is your strength? How many resumes you can submit for a one requirement? Okay, so if I say I submit, I work two or three requirement daily basis, so requirements, so my priority will be, I would like to submit at least one resume or two resume for each requirement. This will be the good answer. And next question will be, how many requirements you can work on one business day? Okay, so already I answered this question, so I will answer again. I every day work two or three requirements. Our next question is, what are the different ways by which you source resumes? So किस तरह के डिफरेंस वेज एक रिक्रूटर यूज़ करता है रेज्यूमे को फाइंड करने के लिए? सो ऑलरेडी आई आंसर दिस क्वेश्चन, बट आई वुड लाइक टू आंसर अगेन. सो फर्स्टली वी यूज जॉब पोर्टल्स, यूएस जॉब पोर्टल्स, एंड यूएस जॉब पोर्टल्स में भी करियर बिल्डर, डाइस मोस्टर. सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी, वी विल सोर्स कैंडिडेट रेज्यूमे विथ US job portals, and also we will use LinkedIn, and we will use referencing, and we will use our company internal database, and also we will use our database which we daily maintain. This is the perfect answer for this question. So let's come to next question. Okay, our next question will be regarding US United States of America time zone. Okay, so I would like to give the answer for this question. Okay, United States of America have more than, or at least 50 states have 50 states, and there is a six time. We can divide United States of America 50 state in six time zones. If we talk about the name, okay, the first will be EST, Eastern Standard Time. Okay, and second will be CST, the full form of the CST is Central Standard Time, and third will be MST. The full form of MST will be Mountain Standard Time, and fourth will be PST, Pacific Standard Time Zone, and five will be Alaska, and six will be Hawaii. Okay, but what happened? Most of the company are working on four time zones. Okay, so I will discuss only four time zones in this video. Okay, so what will be okay, so how we can calculate EST time zone? Okay, so इंडिया का, ओके, हम कैसे पता करेंगे EST का क्या टाइम है बिना घड़ी देखे? सो फॉर कैलकुलेटिंग EST टाइम जोन, इंडिया का जो भी समय हो, ओके, इंडिया के टाइम से 9.5 घंटे अगर हम माइनस करते हैं, तो हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का EST टाइम मिल जाता है, या EST टाइम में 9.5 घंटे ऐड करते हैं तो इंडिया का प्रेजेंट टाइम मिल जाता है. अब CST क्या है?
सीएसटी का टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट सीएसटी टाइम। सीएसटी का टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम इंडिया के जो टाइम है प्रेजेंट टाइम है उसमें से 10.5 घंटे माइनस करते हैं। 10.5 घंटे माइनस करने के बाद जो समय हमें मिलता है वो सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम होता है या सीएसटी टाइम होता है। और यदि हम सीएसटी टाइम में 10.5 घंटे ऐड करते हैं तो हमें इंडिया के टाइम मिल जाता है। अब हम एमएसटी या माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंडिया के टाइम से 11.5 घंटे माइनस करने पे हमें जो समय प्राप्त होता है वो एमएसटी टाइम होता है, यानी कि माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम। और यदि हम माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम में 11.5 घंटे ऐड करते हैं तो इंडिया का टाइम हमें मिल जाता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पीएसटी टाइम, यानी कि पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, या हाउ टू कैलकुलेट पीएसटी टाइम। सो बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। इफ़ वी डिडक्ट, ओके, यदि हम इंडिया के समय से 12.5 घंटे माइनस करते हैं तो हमें जो समय प्राप्त होता है वो पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम होता है। और यदि हम पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम में 12.5 घंटे ऐड करते हैं तो हमें इंडिया के टाइम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, बड़ी आसानी से हमने समझा, यूएसए में 50 स्टेट होते हैं, 6 टाइम जोन होते हैं, और 6 टाइम जोनों में ईएसटी को कैसे कैलकुलेट कर, ईएसटी क्या होता है, ईएसटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीएसटी क्या होता है, सीएसटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमएसटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पीएसटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या होता है कि इन चारों टाइम जोनों में काम करती है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू टॉक विद कैंडिडेट, व्हाट विल बी द कॉलिंग स्क्रिप्ट। सो आई वुड लाइक टू गिव द एग्जाम यू नो आंसर। फर्स्टली यू नो टॉकिंग, बिफोर टॉकिंग कैंडिडेट वी मस्ट रीड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंड जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली, ओके, वी हैव टू मेक बूलियन सर्च स्ट्रिंग एंड वी हैव टू सर्च कैंडिडेट रेज्यूमे, वी हैव टू स्क्रीन कैंडिडेट रेज्यूमे। इफ़ वी फाउंड गुड रेज्यूमे देन वी कॉल द कैंडिडेट एंड ऑल्सो सेंड फर्स्ट कॉन्टेक्ट ईमेल और जॉब डिस्क्रिप्शन टू द कैंडिडेट फॉर रिव्यू। ओके, सपोज एंड सपोज वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द पोजिशन। पोजिशन इज जावा डेवलपर, जॉब लोकेशन इज प्रिंसटन न्यू जर्सी, इट्स अ 12-month कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लाइंट नेम इज थर्मो फिशर। सो आई फाउंड वन कैंडिडेट, कैंडिडेट नेम इज जॉन, सो आई कॉल द कैंडिडेट। ए इज दिस जॉन? ए या आई एम जॉन। Hey John, my name is Vinod and I'm calling from XYZ Consulting. How are you? So candidate will say, I'm good and how are you? Then I will say, I'm also good and thanks for asking. Hey John, I came across your resume one of the job boards and I called you regarding job opportunity as Java developer and job location is Princeton, New Jersey. So right now, are you looking for job or job change? So candidate will say, yeah, I'm looking for job. Hey John, first of all, you know, I would like to discuss this job. This job is for my direct client, Thermo Fisher Scientific, and it's a 1-year project, and there is high possibility for extension. And for this job, I'm looking for someone candidate who have experience in ops and design patterns, and candidate must have experience at least 5-year experience in backend technology, and also candidate must have various front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript, and candidate also must have experience in build tools also, and also candidate must have experience in Spring and Struct or Hibernate. So I have screened your resume, so you have all these skills, correct? Yeah, correct. Okay, so would you be interested? Yeah, I'm interested in a real estate.
So, what will be your pay rate expectation regarding salary? $50. Okay, so we have $50, so we can offer the $50. Okay, so John, I would like to submit your resume. So John, for submitting your resume, I need some information. So is this your full legal name? John Alex? Yeah, this is my full legal name. So John, how soon you can available for the job? John will say as soon as possible. And what is your availability for interview? Yeah, I'm available. Okay, so have you submitted your resume for same job with same client through any other agency for same client? No. Okay. And what is your availability for this job and also interview? Yeah, I'm available for interview for any time and also available for this job as soon as possible because I'm not working. Okay. So then we will ask, is this your best contact number? Yeah, this is my best contact number. And what is a good time to reach you? Okay, you can reach me anytime. And what is the best email? Yeah, you have my best email to reach me. ओके सो इसके बाद हम उसके रेज्यूमे से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे. अगर उसको कुछ 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि उसने पहले जब जॉब छोड़ी तो क्यों छोड़ी, दूसरी जॉब क्यों छोड़ी, तीसरी क्यों छोड़ी, और ये टेक्नोलॉजी का क्या एक्सपीरियंस है, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है. ये सारी चीज़ हम जानने के बाद कैंडिडेट का को रेट कंफर्मेशन ईमेल भेज देंगे और सबमिशन प्रोसेस पूरी करेंगे. अब आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ड्रॉप वॉइसमेल. वॉइसमेल कैसे छोड़े? वॉइसमेल या वॉइस मैसेज, हाउ टू ड्रॉप वॉइस मेल कैसे छोड़े. मान लीजिए किसी कैंडिडेट को फ़ोन लगाना है, अब वो फोन कैंडिडेट फ़ोन नहीं उठाता तो वो कैंडिडेट डायरेक्टली वॉइस मेल पे जाएगा. उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसको फ़ोन लगा रहा हूँ मैं, और उसको मैंने फ़ोन लगाया, कैंडिडेट का नाम है जॉन और वो फ़ोन नहीं उठा रहा, डायरेक्ट वॉइस मैसेज पे गया. ए दिस मैसेज फॉर जॉन. ए जॉन, माय नेम इज़ विनोद एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम एक्स वाई जेड कंसल्टिंग. आई केम अक्रॉस योर रेज्यूमे ऑनलाइन एंड आई कॉल्ड यू रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज जावा डेवलपर एंड जॉब लोकेशन इज प्रिंसटन न्यू जर्सी. I think your resume is good match and I would like to discuss the job in detail. If you are interested or looking for job or job change,